हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिंकल्स किचन। आज मैं लेकर आई हूँ एकदम टेस्टी और चटपटे सेव सड़ की रेसिपी और साथ में लहसुन की एकदम स्पाइसी चटनी भी। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी शुरू करते हैं। सेव सड़ बनाने के लिए मैंने ये जो व्हाइट कलर के मटर आते हैं उसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था, तो ये एकदम अच्छे से फूल चुके हैं। अब इसे हम उबाल लेंगे। तो मैंने ये प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैं ये सारे मटर डाल दूंगी। और अब यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है बड़ी साइज का, उसे इस तरह से काट कर डाल देंगे। और ये मैंने 2 कप मटर लिए हैं। इस क्वांटिटी से आप 2 से 3 लोगों के लिए ये सेव सड़ बना सकते हो। तो अब इसमें हम 2 ग्लास पानी डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे हम 6 से 7 सीटी आने तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। तब तक हम सेव सड़ के लिए स्पाइसी चटनी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मिक्सर जार लिया है, उसमें 1 टीस्पून जीरा डाला है और ये 10 से 15 लहसुन की कलियाँ डालेंगे और ये थोड़ा सा गुड़ डालेंगे और ये मैंने 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और ये थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और ये थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और ऊपर से थोड़ा सा नमक डालेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। ये चटनी सेव सड़ के साथ बहुत टेस्टी लगती है, इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए एकदम टेस्टी और स्पाइसी गार्लिक चटनी रेडी है। तो अब हम सेव सड़ का रगड़ा बनाने के लिए इसके मसाले रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1 टेबलस्पून सूखा धनिया लिया है, इसको मैंने क्रश करके लिया है और 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर डालेंगे और ये स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और इसमें ना थोड़ा सा गुड़ डालेंगे, इससे ना रगड़ा एकदम चटपटा टेस्टी बनेगा। मैंने ये 1/2 कप गुड़ लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ना इस मसाले का ही तड़का लगाना है, इससे हमारा रगड़ा एकदम टेस्टी बनेगा। तो सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम सेव सड़ का रगड़ा तैयार करेंगे। तो देखिए मटर और आलू एकदम अच्छे से उबल चुके हैं, तो अब इसका तड़का तैयार करेंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने एक पैन को गर्म करने के लिए रखा है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म होता है इसमें हम थोड़ा सा ये अजवाइन डालेंगे, इसे इस तरह से क्रश करके डालेंगे और ये थोड़ी सी हींग डालेंगे और ये हमने जो मसाला का पेस्ट बनाया है वो डाल देंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब इन मसालों को हम 2-3 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे और इसमें ना अच्छे से उबाल आने देंगे। उसके बाद हम उबले हुए मटर और आलू डालेंगे। तो देखिए मसालों में उबाल आ चुका है, अब इसमें हम मटर और आलू डाल देंगे। अब इसे हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप रगड़ा बनाओगे तो बहुत ही टेस्टी रगड़ा बनता है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करना। अब हम पाव भाजी का मैशर लेंगे और अच्छे से आलू को और मटर को मैश कर लेंगे, इससे ना रगड़ा एकदम गाढ़ा बनेगा। तो ये अच्छे से मैश हो चुका है, अब इसमें ना हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो मैं ये 1/2 कप पानी डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको अगर रगड़ा ज़्यादा पतला चाहिए तो आप ज़्यादा पानी डाल सकते हो। इसे ढककर 5 मिनट तक पकने देंगे। तो देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा रगड़ा भी एकदम अच्छे से कुक हो चुका है। तो देखिए एकदम गाढ़ा हो चुका है रगड़ा। अब इसमें ना हम थोड़ा सा नींबू का जूस मिलाएंगे, हमने इसमें गुड़ डाला है तो उसको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा नींबू का जूस मिलाएंगे, ज़्यादा नहीं बस 1/2 नींबू का रस मिलाएंगे। अब इस रगड़े को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और रगड़े को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस हल्का सा ही ठंडा करना है। उसके बाद इसे सर्व करेंगे। तो देखिए अब सेव सड़ को हम सर्व करेंगे। तो मैं एक प्लेट में यहाँ पर रगड़ा डालूंगी
और इसके ऊपर हमने जो ये स्पाइसी गार्लिक चटनी बनाई है वो डालेंगे। वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आपको कितना स्पाइसी चाहिए। ये चटनी सेव सर के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें ना मैंने गुड़ यूज़ किया है, तो इसकी वजह से सेव सर का एकदम चटपटा टेस्ट आएगा। और अब इसमें ना हम बारीक कटे हुए प्याज डालेंगे और थोड़े से कटे हुए टमाटर डालेंगे। और ये जो पतली बेसन की सेव आती है वो डालेंगे। आप इसमें कोई भी सेव डाल सकते हो, लेकिन ये सेव ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं अभी थोड़ी सी डाल रही हूँ, आप जितनी चाहे इतनी डाल सकते हो। और अब ऊपर से थोड़े से धनिया के पत्ते डालेंगे, इससे ना सेव सर का बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो हमारा गर्मा गर्म स्पाइसी और चटपटा सेव सर रेडी है सर्व करने के लिए। तो इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत ही अच्छा बनता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।